नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। खास बुलेटिन स्टेट एट 7 में स्वागत है आपका। रेल यानी कि ऐसा नाम जिससे हमारा और आपका सीधा सरोकार होता है। आज पूरे राजस्थान की नजर इस बात पर टिकी थी कि प्रभु उनके लिए क्या खास करने वाले हैं। राजस्थान के लिए वैसे तो कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन रेल बजट में जो भी सुविधाएं दी गई उनका फायदा राजस्थान के यात्रियों को भी मिलेगा। बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार राजस्थान के लिए क्या रहा प्रभु के बजट में। तो देखते रहिए राजस्थान की रेल। प्रभु के रेल बजट में राजस्थान को कई सौगातें मिली हैं। 3 नई रेल लाइनों की सौगात तो मिली ही है, ट्रैकों के विद्युतीकरण और जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर विकसित करने का भी ऐलान हुआ। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने रेल बजट में राजस्थान का खास ख्याल रखा है। प्रदेश को 3 नई रेल लाइनों की सौगात मिली है। जैसलमेर भामभर के बीच 339 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पर्वतसर और किशनगढ़ के बीच 45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसको बनाने में 900 करोड़ की लागत आएगी। जबकि भिवानी और लोहारू को भी रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। 64 किलोमीटर की इस रेल लाइन पर 1280 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। वहीं जयपुर से सवाई माधोपुर और रिंगस से जयपुर रूट का विद्युतीकरण किया जाएगा। 188 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के विद्युतीकरण पर 163 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं बांदी कुई से भरतपुर रूट का भी विद्युतीकरण किया जाएगा। 97 किलोमीटर लंबे रूट पर 104 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही जयपुर के खातीपुरा स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। स्टेशन को विकसित करने के लिए 87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल मिला के हमारा 323 किलोमीटर का गेज कन्वर्शन इस साल में रहेगा, जो कि पिछले साल केवल 28 किलोमीटर था। तो गेज कन्वर्शन की दिशा में हमने करीब 10 या 12 गुना ज़्यादा सेक्शन खोल पाए हैं इस साल में। और अगर आपने रेल मंत्री जी का भाषण सुना हो तो उन्होंने कहा था कि पूरी भारतीय रेल में 2500 किलोमीटर का गेज कन्वर्शन इस साल हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें से 323 किलोमीटर तो NWR का ही है। जयपुर समेत राज्य के कई स्टेशन पर वाईफाई सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं राज्य के A1 और A कैटेगरी के स्टेशनों पर खान पान सुविधा मुहैया कराई जाएगी। रात से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी और डबल डेकर ट्रेनों में मनोरंजन स्क्रीन लगाए जाएंगे। अजमेर और पाली को धार्मिक स्थलों के स्टेशन में शामिल किया गया है। दिल्ली में जिस रिंग रेल का ऐलान किया गया है उसका फायदा अलवर और भिवाड़ी के डेली पैसेंजर्स को भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस रेल बजट से राजस्थान को क्या कुछ मिला, कौन कौन सी सौगात प्रदेश के हाथ लगी है, सहयोगी अभिषेक कात्यायन ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, देखते हैं। चलिए आपको बताएंगे कि राजस्थान को इस बजट में क्या मिला, ये देखते हैं। 50 से ज्यादा मानव रहित फाटक हटा दिए जाएंगे। राज्य से गुजरने वाली ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% कोटा बढ़ाया जा रहा है। अजमेर पाली धार्मिक स्थलों के स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। महिला यात्रियों के लिए राज्य के कई स्टेशनों पर पोर्टेबल शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य के A1 श्रेणी और A श्रेणी के स्टेशनों पर खानपान और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वहीं राज्य से गुजरने वाली शताब्दी, डबल डेकर और राजधानी एक्सप्रेस में मनोरंजन स्क्रीन लगाए जाएंगे। दिल्ली में रिंग रोड की तरह नए स्टेशन बनाने से अलवर भिवाड़ी से रोज आने जाने वालों को सुविधाएं बढ़ जाएंगी। सवाई माधोपुर, उदयपुर और बीकानेर रेलवे स्टेशनों पर पेंटिंग्स की तारीफ की सुरेश प्रभु ने। रेल बजट रेलवे के विजन 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 2020 तक सुरेश प्रभु रेलवे को कहां ले जाना चाहते हैं, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक कात्यायन। ये रेल बजट रेलवे के विजन 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 2020 तक सुरेश प्रभु रेलवे को कहां ले जाना चाहते हैं, आइए देखते हैं। 2020 तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने का ऐलान किया गया है।
2020 तक 95% ट्रेनों को समय से चलाने का लक्ष्य है। 2020 तक आम आदमी की लंबे समय से चली आ रही आशाओं को पूरा कर पाने की उम्मीद जताई गई है। 2020 तक बड़ी लाइनों के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। 2020 तक कोई भी लाइन बिना गार्ड के नहीं रहेगी। 2020 तक जनता जब चाहेगी तब टिकट ले सकेगी। 2020 तक टिकटिंग सिस्टम को और बेहतर कर दिया जाएगा। अभिषेक से ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस बजट से आम यात्रियों को क्या मिला। स्लीपर और जनरल बोगी से चलने वाले या लाइन में लगकर रिजर्व सीट पाने की आस रखने वाले लोगों को आखिर क्या मिला है, ये देखते हैं। आम यात्री को क्या सुविधा मिली इस बजट में, आइए देखते हैं। अंत्योदय एक्सप्रेस चलेगी जो अनारक्षित होगी और नए जनरल कोच लगेंगे। हम सफर एसी कोच, तेजस, उदय एक्सप्रेस, डबल डेकर नाइट ट्रेन चलेगी। 45 स्टेशन पर ई कैटरिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाया जाएगा। नॉन एसी कंपार्टमेंट के लिए 65,000 नई बर्थ तैयार की जा रही। तत्काल काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात कही गई है कि अब जितने भी तत्काल काउंटर होंगे वहां सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल रोजाना के काम में ट्रांसपेरेंसी के लिए किया जाएगा। रेलवे दो एप्लीकेशन के जरिए यात्रियों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान करेगी। जानकारी के लिए 2000 स्टेशनों पर 20,000 डिस्प्ले स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। टिकट कैंसिल कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 शुरू किया जाएगा। तो ये कुछ खास सौगातें रेल बजट की। अब बजट आया है तो रिएक्शंस भी आएंगे। रेल बजट पर प्रदेश के सियासतदानों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। विशेष करके गरीब लोगों को सुविधा करना, अंत्योदय जो गाड़ी चलाई, जैसे इस तरह से फास्ट गाड़ी भी चलाई उन्होंने, डबल डेकर की तरफ से चार प्रकार की नई गाड़ियां चला करके कॉमन आदमी को भी रेलवे से जोड़ने का प्रयास किया है। अब रेलवे कुछ राज्यों के पास जो बंधक था उससे बाहर निकल करके अखिल भारतीय स्वरूप में आया है। आज रेल मंत्री जी ने भी जहाँ उसके विकास की बात की, आम आदमी की सुविधाओं को बढ़ाने की बात की, वहीं उसके सम्मान को हम कैसे बचा सकते हैं इसको भी सुनिश्चित, सुरक्षा के विषय को भी पूरी चिंता के साथ बात की है। पहली बार ऐसे रेल मंत्री जिन्होंने धरातल पे जाकर के जो यात्रियों की मूलभूत सुविधाएं चाहिए उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट में प्रावधान रखे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब मैं बजट के बारे में देख रहा, सुन रहा था, तो मुझे लगा कि ये बजट 2015-16 का नहीं है, ये बजट 2020 का है और इस सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। मुझे लगा था कि कुछ बहुत बोल्ड इनिशिएटिव लेकर रेल मंत्री महोदय और भाजपा की सरकार कुछ ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएंगे जिससे जनता को लाभ हो सके। तो एक तरफ बजट पर प्रतिक्रियाएं आ रही है, इधर लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे बजट 2016 पेश किया। इस बार प्रभु द्वारा बजट में यात्रियों के लिए काफी सुविधाओं की घोषणा हुई है। अपने कार्यकाल का दूसरा रेल बजट पेश कर रहे रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज यात्रियों के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की। बजट घोषणा में उन्होंने कहा कि इस साल 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा शुरू की जाएगी, साथ ही अगले 2 साल में 400 और स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा शुरू की जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सेवा उनकी प्राथमिकता है, इसलिए देश के 300 स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यात्रियों को अच्छे से सूचना देने के लिए 2000 स्टेशन पर 20,000 डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी। वहीं यात्रियों के मनोरंजन का ध्यान रखते हुए अब ट्रेनों में यात्रियों के लिए FM सुनने की व्यवस्था की गई है। वहीं ट्रेन की टिकट बुक कराने में भी झंझट नहीं होगा, फोन के जरिए यात्री टिकट बुक करा सकेंगे। साथ ही 1780 टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। वहीं टिकट कैंसिल कराने के लिए भी हेल्पलाइन नंबर 139 की शुरुआत होगी। ई टिकटिंग की क्षमता 2000 प्रति मिनट से बढ़ाकर 7200 प्रति मिनट की जाएगी। बजट में जरूरतमंदों का भी पूरा ख्याल रखा गया है।
इनमें दिव्यांग लोगों के लिए अलग से टॉयलेट की सुविधा, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए लोअर बर्थ का कोटा बढ़ाने की बात कही गई है। रेल में सफर करने के दौरान यात्रियों को अच्छा खाना मिले, इसके लिए IRCTC ई कैटरिंग सुविधा शुरू करेगी। स्वच्छता के लिए क्लीन माई कोच का सिस्टम लगाया जाएगा। अब महज एक SMS के जरिए यात्री अपने कोच की सफाई करा सकेंगे। वहीं सभी नॉन AC कोच में भी डस्टबिन रखे जाएंगे। धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए आस्था सर्किट ट्रेन की शुरुआत की गई है, इनमें अजमेर भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार नई घोषणाओं पर ध्यान न देकर सुविधाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, लेकिन जोधपुर के लोग इस बजट से संतुष्ट नहीं। रेल बजट में जोधपुर की उपेक्षा पर शहर के लोग निराश हैं। लोगों ने रेल बजट में जोधपुर को कुछ नहीं देने पर नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि रेल मंत्री से उन्हें उम्मीद काफी थी, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। मैंने तो जो बजट देखा उसमें कपोल कल्पित कल्पनाओं का पुलिंदा मात्र है। इतने वादे हैं कि इतने साल में ये हो जाएगा, चार साल में वो हो जाएगा, दो साल में हो जाएगा, और पश्चिमी राजस्थान और जोधपुर को जबरदस्त निराश होना पड़ा। एक समय जब जोधपुर में बजट डिक्लेयर होता था, जोधपुर में खुशियां और मिठाइयां बांटी जाती थी, जोधपुर पूरा रेलवे से जुड़ गया था। आज जोधपुर के लिए पिछले 3 साल हो गए हम इंतजार करते जा। बजट के अंदर पेपर्स में तो बहुत कुछ हमने देखा है, लेकिन वो एप्लीकेबल कब होगा और वो राजस्थान तक कब पहुंचेगा? क्योंकि पहले भी बजट काफी पास हो चुके हैं, लेकिन वो राजस्थान तक, जोधपुर तक नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए मुझे इस बार भी बजट से इस तरह की कोई आशा की उम्मीद नहीं। वास्तव में ये जो बजट की घोषणा हुई है और ये लागू हो तब लोगों को फायदा हो, और उसके साथ में जो सुविधाएं दी है वो सुविधाएं जो गरीब लोगों के लिए ज्यादा सुविधा है वो होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसा हमने पेपर में सुना था, पढ़ा था, TV में देखा था, उस प्रकार से बजट आया नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी कई सारी घोषणाएं की गई है जो कि पूरी नहीं की जा सकती। हर स्टेशन में वाईफाई लगाया गया है, वो तो सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है, और ये भी कहा गया है कि हर ट्रेन में FM की सुविधा भी की गई, और सबसे बात है कि लेडीज के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है कि उनकी हर मतलब हर सुविधा के लिए उनका क्या। जोधपुर के साथ साथ भीलवाड़ा के लोग भी रेल बजट से काफी निराश हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, न राजस्थान कुछ मिला है, न भीलवाड़ा को कुछ मिला है। जिस ढंग से यदि कुछ ट्रेनें जो अहमदाबाद के लिए, बंबई के लिए, हैदराबाद के लिए, बेंगलोर के लिए और आगरा के लिए यदि ये सीधी ट्रेन जुड़ती तो उसका फायदा ये मिलता कि यहाँ का व्यापार और बढ़ता। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु जी ने जो आज बजट पेश किया है उसमें दो बातें अच्छी लगी। एक तो रेल भाड़ा, माल भाड़ा है वो नहीं बढ़ाया है, और दूसरा की कोई भी किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। टेक्सटाइल के हिसाब से मेन वही है कि टेक्सटाइल के हिसाब से अगर बड़ी सिटी से कनेक्शन इनका हो जाता तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक अच्छी ग्रोथ अपने को यहाँ से मिल सकती थी। नई ट्रेनों का और अच्छे ट्रैक का सौगात मिलेगी, और ट्रैकों को सुधारने का जो काम किया है, और भीलवाड़ा का जो विद्युतीकरण का जो मिला है चित्तौड़ से उदयपुर का, ये भी बड़ा सराहनीय कदम है। इधर बीकानेर के लोग भी इस बजट से बेहद निराश हैं। ऊपर वाले प्रभु भी नहीं चेत रहे, नीचे वाले प्रभु ने बीकानेर को कुछ भी नहीं दिया। बीकानेर के भारत सरकार ने आज रेलवे का बजट पास किया, बीकानेर के निराशाजनक है। बीकानेर के अंदर रेल फाटों की समस्या थी, यहाँ वर्कशॉप की समस्या थी। बहुत बड़ी उम्मीद थी कि प्रभु जी रेल बजट दे रहे हैं 16-17 का, उसे बीकानेर को नई ट्रेन मिलेगी, कुछ नया समीकरण होगा, नई लैंड बनने के लिए उसके लिए मिलेगा, मगर कुछ नहीं मिला। वहीं रेल बजट पर स्वर्ण नगरी जैसलमेर से मिलीजुली प्रतिक्रिया है। जैसलमेर एक सीमावर्ती सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, और पर्यटन दृष्टि से भी विश्व मानचित्र पर सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन जैसलमेर कई अनदेखी की गई है। हमारी आशाएं बहुत ज्यादा थी कि इस बजट में हमारे कुछ मिलेगा, लेकिन हमारे निराशाजनक है कि हमारे को ऐसी सुविधाएं नहीं मिली। परेशान है, रेल हमारे शुरू होता तो अच्छा काम होता था। बजट पेश करते हुए रेल मंत्री ने भरतपुर के रेलवे स्टेशन को पक्षियों के चित्रों से सजाने की प्रक्रिया को अमल में लाने की तारीफ जरूर की, लेकिन कोई खास स्वागत नहीं मिलने से यहां का आम जन हताश है। आगे बढ़ेंगे। तारीफ किसे पसंद नहीं, और जब तारीफ लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हो तो सीना और चौड़ा हो जाता है।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने बजट भाषण में उदयपुर की तारीफ करते हुए कहा कि देश के सभी स्टेशन उदयपुर स्टेशन की तरह ही सुंदर बनाए जाएंगे। उदयपुर की खूबसूरती किसी से छुपी नहीं है, इसको चरितार्थ किया है रेलवे स्टेशन ने। रेल बजट पेश करने के दौरान सुरेश प्रभु ये कहने को मजबूर हो गए कि देश के सभी स्टेशन उदयपुर स्टेशन की तरह सुंदर बनाए जाएंगे। आज जब रेल मंत्री ने संसद में रेल बजट बढ़ा तो वे उदयपुर के इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन की तारीफ करना नहीं भूले। आप देखिए कि उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन को राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाते हुए आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मिनिचर आर्ट के माध्यम से, पिछवाई पेंटिंग्स के माध्यम से राजस्थानी संस्कृति को यहाँ आने वाले पर्यटकों को दिखाने की कोशिश की गई है। इस समय रेलवे स्टेशन पर पेंटिंग्स का कार्य निरंतर जारी है, विभिन्न आकृतियां बनाई जा रही है और उसके मार्फत राजस्थानी संस्कृति को जो पर्यटक उदयपुर आते हैं, राजस्थान आते हैं, उन्हें रेलवे स्टेशन पर आते ही राजस्थानी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए ये पेंटिंग्स बनाई गई है। दरअसल रेलवे प्रशासन ने सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर स्टेशन परिसर को आकर्षक बनाने का जिम्मा उठाया। स्टेशन की दीवारों पर लिविंग वॉल, मोलिला आर्ट और राजस्थान के गौरवमय इतिहास को दर्शाती पेंटिंग्स लगाई गई है। CSR के तहत और स्मार्ट सिटी के तहत उन्होंने उदयपुर स्टेशन को जो शामिल किया है और उसके तहत जो प्रगति हो रही है उसका सीधा असर हमारे यात्रियों को मिल रहा है। यात्रियों का जो रिस्पांस आ रहा है वो इतना पॉजिटिव आ रहा है कि वो खड़े रह करके फोटो ले रहे हैं। जो मोदी जी का स्वप्न रहा 100 सुंदर सिटी का, उसमें उदयपुर का 16वां पायदान पर नाम आया है। उदयपुर रेलवे स्टेशन पर बनी कलाकृतियां सैलानियों को आकर्षित कर रही हैं। अब रेल मंत्री ने स्मार्ट शहर के स्मार्ट रेलवे स्टेशन की तारीफ कर शहर को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। कपिल श्रीमाली, जी मीडिया, उदयपुर। इधर पूरे रेल बजट की बात करें तो इसको लेकर हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। कोटा के लोग क्या सोचते हैं रेल बजट को लेकर, आइए सुने। कैटेगरी में, ऐसे में महिलाओं का क्या नजरिया है इस रेल बजट को लेकर के? अब हर कैटेगरी में आपको 33% आरक्षण होगा। हर कैटेगरी में बड़ी चुनौती होता था टिकट मिलना, इस तरह से देखते हैं इसे? बहुत सुविधाएं मतलब इस चीज में कि लेडीज को सबसे मेन प्रेफरेंस दे रहे हैं कि 33% आरक्षण मिलेगा और अर्जेंट में जैसे नहीं मिलता है उस चीज के लिए हम लोग बहुत फायदा रहेगा उस चीज के लिए। किस तरह से देखते हैं 33% अलग से आरक्षण मिलेगा, 33% सीटें होंगी अब हर कैटेगरी में? भाई हम कहीं जाएंगे तो हमको सुविधा मिलेगी तो उससे हमको फायदा होगा, तो इससे अच्छा ही है। आप बताइए। बहुत अच्छी सुविधा है हमारी नजर में। चलिए आगे बढ़ेंगे और इधर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी विधायक के बयान का विरोध सड़क पर जारी है। अब कांग्रेस विधानसभा के बजट सत्र में भी अपना विरोध दर्ज कराएगी। पिलानी में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि बीजेपी के 2 साल के कार्यकाल में अराजकता का माहौल रहा है, किसान और मजदूर दुखी हैं और युवा बेरोजगार है।